700 से 750 रुपए का वैल्यूएशन किया जा रहा है और बीपीसीएल का ओवरऑल वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास किया जा रहा है। अनिल जी बैक टू फेवरेट, बताएं सर स्टॉक ऑफ द डे क्या चुना है? बिल्कुल दीप, बीपीसीएल ही है। यहाँ पर बीपीसीएल के फ्यूचर्स खरीदारी करने के लिए शुक्रवार का लो 416 रुपए के आसपास है और आपको याद होगा जब आप 50 रुपए के डिविडेंड की उम्मीद के सामने 5 रुपए का डिविडेंड आया तब भी हमारा यही कहना था कि आप चिंता न करें, हो सकता है डिविडेंड डिले हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। बीपीसीएल के बुक्स में वो कैश अब भी है और रहेगा जो आपको मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको याद हो पिछले हफ्ते हमने एक और बड़ी स्टोरी की थी जिसमें हमने कहा था कि बीपीसीएल के लिए एक बड़े लीडिंग मर्चेंट बैंकर ने जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई वो 700 से 750 रुपए का वैल्यूएशन निकाल कर लाई है और एग्जैक्टली आज मीडिया में ये खबरें आप आते हुए देख रहे हैं कि 700 से 750 रुपए का वैल्यूएशन किया जा रहा है और बीपीसीएल का ओवरऑल वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास किया जा रहा है और सरकार को 80-85 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद बीपीसीएल के डायरेक्टर से की जा रही। तो जो पिछले हफ्ते हमने खबर दी थी वो खबर अब आप आज मीडिया में काफी जगह देख रहे हैं। हमारा ये समझना है कि बीपीसीएल इस भाव में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड करने के लिहाज से भी और निवेश करने के लिहाज से भी। स्टॉप लॉस में थोड़ा आपको दूर का दूंगा लेकिन उससे पहले कुछ और रीजन है जिसके लिए मैं बता दूं कि जो प्रीमियम अगर 430 रुपए के दाम से देखें और 700-750 रुपए का वैल्यूएशन देखें तो 60-65% की प्रीमियम पर बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है क्योंकि ये डाइवेस्टमेंट बाकी सारी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट के लिए एक कहना चाहिए कि पैमाने सेट करेगा कि आगे किस तरह का होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो और जो आज एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास में वो ये कि बीपीसीएल में काफी नॉन कोर एसेट्स, नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स, एसेट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहूंगा जो उनके अलग सारी अलग अलग कंपनियों में आईजीएल में है, पेट्रोनेट एलएनजी में है, कुछ अनलिस्टेड कंपनियों में उनके इन्वेस्टमेंट है वो बेचे जाएंगे और वो बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा और जो बायर होगा बीपीसीएल का वो एक कोर बिजनेस खरीदेगा, उसको कैश और दूसरी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट, बीपीसीएल के अगर दूसरी सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है लिस्टेड या अनलिस्टेड में, उससे उस बायर को इंटरेस्ट नहीं है जो बीपीसीएल को खरीदना चाहता है। जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट कोर बिजनेस में, तो सिर्फ कोर बिजनेस बेचा जाएगा और कोर बिजनेस के पहले जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स है उन्हें हटाकर कैश रेज किया जाएगा और वो कैश शेयर होल्डर्स में दे दिया जाएगा स्पेशल डिविडेंड के तौर पर या जैसे भी, और बाकी आपके लिए ये डाइवेस्टमेंट होगा। तो मुझे लगता है ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 2 से 3 महीने के व्यू से आपको बीपीसीएल में जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बीच बीच में बाजार के मूड माहौल के साथ कुछ भी खबरों के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन जो लोग शांति से लेकर बैठकर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखेंगे वो इसमें पैसा कमाएंगे ये मानकर चले। 415 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। 435, 445, 455, 465 ये हैं वो सारे टारगेट्स जिसके लिए बीपीसीएल के फ्यूचर्स आपको खरीद कर रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप शांति से डिलीवरी लेकर बैठ जाएं जितना आपके पैसे हैं, 2-3 महीने के लिए ये भी व्यू आप लेकर चल सकते हैं। जी दीप, क्लियर है सर। तो बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट का आपको फायदा उठाना है और हर स्टेप पर अनिल जी ने आपको कहा है कि बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, सिर्फ भरोसा रखने की जरूरत है। ट्रेड के लिए, निवेश के लिए दोनों लिहाज से देखें बीपीसीएल बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बीपीसीएल को लेकर स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ है तैयार। स्वाति बताइए, बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर क्या आगे नए डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं? देखिए डेवलपमेंट्स बराबर हो रहे हैं और बहुत तेजी से काम हो रहा है, हम तो लगातार आपको अपडेट्स दे ही रहे हैं। जो अब मैं अपडेट लेकर आई हूँ ये कि बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा कदम और उसी डायरेक्शन में हम देखेंगे कि कंपनी कुछ जो स्टेक्स हैं उनकी नॉन कोर एसेट्स में कुछ कंपनीज में वो बेचने की तैयारी सरकार कर रही है। बीपीसीएल का अगर आप देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी आईजीएल में हिस्सा है जिसको बेचकर कंपनी करीब करीब 12-15 हजार करोड़ रुपए यहाँ जुटा सकती है। इतनी अमाउंट अगर कंपनी के पास आती है तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि नुमालीगढ़ के बाद पेट्रोनेट एलएनजी आईजीएल इन सब के पैसा जो आएगा उससे एक बड़ा डिविडेंड, यहाँ एक स्पेशल डिविडेंड कंपनी जल्द अनाउंस करेगी। हमें पता है आपने देखा था 5% जो डिविडेंड आया था वो मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लग रहा था कि बड़ा डिविडेंड आने की तैयारी में, बट वो इसलिए नहीं आया क्योंकि नुमालीगढ़ की जो एक क्लोजर है उस डील का अनाउंसमेंट जरूर हुई बट क्लोजर ईजीएम के बाद होगी 25 मार्च 2021 को, यानी 2-3 दिन में ये जो ईजीएम हो जाएगी उसके बाद ये पैसा कंपनी के पास आएगा और उसके बाद कंपनी इसको डिविडेंड के तौर पर एक स्पेशल डिविडेंड के तौर पर जारी करेगी। तो सूत्र बता रहे करीब 50-80 रुपए तक का आप यहाँ पर प्रति शेयर का डिविडेंड उम्मीद कर सकते हैं और ये हिस्सों में बांटा जाएगा। जैसे आपने देखा धीरे धीरे सरकार जैसे जैसे क्लोजर हो रहे हैं जहां जहां पैसे बन रहे हैं और उस हिसाब से वो शेयर होल्डर्स में बांट रही है। तो
50 से 80 रुपए एक भारी भरकम डिविडेंड यहाँ बीपीएसएल की तरफ से आते हुए, ये एक प्रोसेस है जो डिसइन्वेस्टमेंट का चालू हो रहा है और ये Q2 यानी सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY20 तक सरकार उम्मीद कर रही है पूरा क्लोज कर देगी। तो स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन मानते हुए यहाँ चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है बीपीएसएल के लिए सर। बिल्कुल, तो एक भारी भरकम डिविडेंड के लिए हो जाइए तैयार, बढ़िया वैल्यूएशन पर विनिवेश होने वाला है सर। और आपने तो लगातार ये बात कही ही है कि फिकर नहीं करनी है, आएगा अच्छा डिविडेंड आएगा, और बड़ी वैल्यूएशन की भी बात की जा रही है सर काउंटर के लिए, किस तरह से देखें इसे? ठीक है दीप, जो लोग बीपीसीएल में लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलेंगे वो भरपूर पैसा कमाएंगे। देखिए ये सरकार के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है, इम्तिहान है ये मानकर चलिए, और ऐसे इस तरह के बड़े इम्तिहान में सरकार फेल नहीं होगी, ये बिल्कुल 100% आप निश्चिंत होकर चलिए। और यही वजह कि बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट में वक्त लग रहा है, लेकिन बीपीसीएल को एक रोल मॉडल के तौर पर विनिवेश किया जा रहा है। और इस प्रोसेस में जो आज स्वाति बोल रही है वो बड़ी काम की चीज है। पहली चीज तो ये कि जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स हैं बीपीसीएल को, अगर जो भी दावेदार हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ कोर बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो ठीक है, नॉन कोर जो भी उनकी स्टेक है दूसरी कंपनियों में उसे बेच दी जाएगी, उसका जो पैसा आएगा वो शेयर होल्डर्स में डाइवेस्टमेंट के पहले बांट दिया जाएगा। वो उनके लिए सरकार के लिए भी अच्छा है, शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है, और जो खरीदना चाहता है बीपीसीएल उसके लिए भी अच्छा है। तो ऐसे में कुछ हिस्सेदारी जो IGL, पेट्रोनेट, LNG और कुछ अनलिस्टेड कंपनियों में भी बीपीसीएल की है उसे बेचकर जो कैश आएगा उसे स्पेशल डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा, पहली चीज ये। दूसरी बात, न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी से और ट्रेजरी स्टॉक्स जो उन्होंने बेचा उससे जो बड़ा डिविडेंड आना था जो 45-50 रुपए की बजाय 5 ही रुपए आया, उसकी वजह भी आपके सामने साफ है कि उसका फाइनेंशियल क्लोजर होना बाकी है, जो शायद अगले 2-3 दिनों में जब 25 तारीख को EGM है उसमें फाइनेंशियल क्लोजर हो, तो अल्टीमेटली अप्रैल के अंत या मई के महीने में आप फिर से बड़ा डिविडेंड आते हुए देखेंगे। और उसमें अगर नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स और बीपीसीएल बेच देता है जिससे कि 12 से 15 हजार करोड़ रुपए बीपीसीएल को और मिल सकते हैं, तो वो पैसा और जोड़ लीजिए आप जो न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी से आया है, तो 9 हजार करोड़, ये 12 से 15 हजार करोड़ हो तो ये आपके सामने और डिविडेंड आता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर एक चीज साफ है, सरकार बहुत ही सही तरीके से एकदम डायरेक्शनली बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट पर आगे बढ़ रही है और एक 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 चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रही है, और उससे लगता है कि एक अच्छी वैल्यू क्रिएट होगी। आपको एक और चीज याद दिला दूं दीप, कुछ दिन पहले हफ्ते भर पहले हमने एक स्टोरी की थी और हमने कहा भी था कि बीपीसीएल के वैल्यूएशन के लिए जिन वैल्यूअर्स को और जिन मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया उन्होंने 700 से 750 रुपए का वैल्यू किया है। आज आप देख रहे हैं मीडिया में ये खबरें आती हुई दिख रही हैं, बाकी लोग भी इस रिपोर्ट की बात करें कि 700 करोड़ 700 रुपए पर शेयर के वैल्यूएशन को के साथ बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को मानकर चल रहे हैं, और ऐसे में सरकार को 75-80 हजार करोड़ बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट से मिल सकता है। यानी कि यहां से भी जिस प्राइस पर बीपीसीएल अभी है 60 से 65-70% की प्रीमियम पर बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट हो सकता है। अब इसमें आप समझ लीजिए कि आपके लिए क्या वैल्यू बन सकती है। तो मेरा यह समझना है जो इन्वेस्टर्स 2-3 महीने के लिए बीपीसीएल को लेकर होल्ड करेंगे उनके लिए बढ़िया पैसा बनने की उम्मीद है। रिस्क सिर्फ एक ही है बीपीसीएल में जो मैं बता दूं, और वो ये कि इन केस किसी भी वजह से जिसकी संभावना कम है, नहीं के बराबर है लेकिन खत्म नहीं कह सकते हैं, कि अगर डाइवेस्टमेंट ना हो किसी भी वजह से तो वो एक रिस्क है, लेकिन वो डाइवेस्टमेंट नहीं हो तब भी आपके पास ऐसा तो है नहीं कि शेयर की वैल्यू जीरो हो गई या कंपनी नहीं है, वो टेम्परेरी आपको एक सेटबैक लग सकता है। अगर वो रिस्क आप छोड़ दें तो फिर इसके अलावा बीपीसीएल आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और जिस दिन डिविडेंड कमाया उस दिन भी हमने आपको यही कहा था, आप आराम से 410 से 430 की रेंज में एक्यूमुलेट कीजिए, जब भी वहां पर आए लीजिए वापस से। और जिन लोगों ने जिस भी प्राइस का, किसी ने 450 55 60 तो खैर हुआ भी नहीं डिविडेंड के पहले, उन सबको आराम से निकलने का मौका मिलेगा। कहीं कोई आप डरिए घबराइए मत, अच्छी चीज आपने लेके रखी है, बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया क्वालिटी है और बढ़िया तगड़ा डाइवेस्टमेंट होने वाला है, तो आपको पैसा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। बीच बीच में बाजार के ऊपर नीचे की रिस्क तो चलती रहेगी, वो तो होना ही है दीप जी।